अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा रूखी बेजान है और साथ में आपकी स्किन में काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ गई, तो आज की रेमेडी आपके लिए। इसके लिए आपको 1 चम्मच चावल का आटा लेना है। दूसरी चीज, इसके अंदर हम डालेंगे आर्गन ऑयल। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लेना और एकदम कम मात्रा में भी नहीं लेना, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर आप ये आर्गन ऑयल डाल दीजिए। यह हमारी स्किन को सॉफ्ट भी रखता है, यहाँ तक कि झुर्रियां जो रहती है उन्हें भी कम करने में मदद करता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रिसलिन। सारी चीजें आपको 1-1 चम्मच ही लेना है और 1 चम्मच इसके अंदर आप डाल दीजिए शहद। इन सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसका गाढ़ा ही पेस्ट बनेगा क्योंकि इसके अंदर हम दूध या फिर गुलाब जल इन चीजों का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा लगता है तो इसके अंदर ग्रिसलिन और शहद दोनों की मात्रा थोड़ी थोड़ी सी आप बढ़ा के इसे नॉर्मल बना सकते हैं। ये देखिए, इसे बिल्कुल पतली लेयर में आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है। लगाने के बाद इसे आपको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ना है और इसे आप हफ्ते में 3-4 बार यूज कर सकते हैं। एक दिन लगाइए और एक दिन स्किप कर दीजिए और इस पेस्ट को बनाकर आप फ्रीज के अंदर 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट का समय हो चुका है। उसके बाद किसी भी गीले हल्के गीले कपड़े से इसे आप पोंछ लीजिए और ये रेमेडी आपको रात के टाइम पे करना है ताकि रात भर इसका असर आपके फेस पे रहे। क्योंकि चावल का आटा है, इससे आपको ऐसा लगेगा कुछ फेस पे लगाया है, उसे आप पोंछ लीजिए। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी इसे धो सकते हैं, साबुन या फेस वॉश को आपको यूज नहीं करना है। आटा पूरा आपके फेस से निकल जाएगा और इसे आपको रात भर रखना है। सुबह आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपको अपने फेस पे काफी ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।